हेलो फ्रेंड्स, मैं निश्चित कुमार, आप सभी का इस टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ यह फ्यूज बल्ब को बनाने वाला हूँ, और ये बिना किसी सोल्डरिंग आयरन के यूज किए हुए और बिना किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट के इस बल्ब को बनाऊंगा। तो मेरा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने यह बहुत ही बड़ा यह ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जिस ट्रिक का यूज करके आप लोग घरों में फ्यूज बल्ब को आसानी से बना सकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे यह फ्यूज बल्ब हैं, जिसमें कुछ बल्बों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह बल्ब फ्यूज है, देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस बल्ब में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर बल्ब में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो या हमारा बल्ब फ्यूज हो, सारे बल्ब एक ही प्रोसेस से बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो आइए हम लोग इसे बनाने की शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब को बनाने के लिए मुझे यह एक छोटी सी हार्ड वायर की ज़रूरत होगी, जो मैंने यहाँ ले ली है, और यहाँ मैंने यह एक टेस्टर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इस वायर से मैं इन सारे बल्बों को बारी बारी से टेस्ट करके देखूंगा कि हमारा कौन सा बल्ब फ्यूज है। तो ये देखिए, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए, मैं इन सारे बल्बों को बारी बारी से शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बल्ब को जैसे ही शॉर्ट किया तो हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू किया। देखिए, ये देखिए, तो हमें मिल चुका है कौन सा बल्ब हमारा फ्यूज है। अब उस बल्ब को बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक बल्ब है जो कि फ्यूज है। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब को बनाने के लिए मैं यहाँ एक यह नोखीला टेस्टर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के घरों में टेस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के घरों में कोई नोखीला चीज़ होगा जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा बल्ब फ्यूज है उसके ऊपर से मुझे प्लास्टिक रिमूव करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं इसके ऊपर से प्लास्टिक रिमूव कर दिया हूँ, और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर से जैसे ही प्लास्टिक रिमूव किया, मुझे यहाँ दो छोटे छोटे प्लेट्स दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस बल्ब को सोल्डरिंग आयरन के यूज़ से बनाता तो हम लोगों का मेन पर्पस, सोल्डरिंग करने का मेन पर्पस यही होता है कि इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दें, लेकिन मैं यहाँ बिना सोल्डरिंग आयरन यूज किए हुए बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा ये दो प्लेट्स, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, और फ्रेंड्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में बहुत ही मिनिमम गैप है, और इस गैप में भी कुछ प्लास्टिक्स हैं, उसे भी मैं अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ गैप से भी प्लास्टिक को रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस टेस्टर के नोखीले पार्ट्स से मैं इन दोनों प्लेट्स पे बारी बारी से स्क्रैच करूँगा, और स्क्रैच हमें उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में हमारा यह
मिनिमम स्पेस है उस डायरेक्शन में करेंगे। फ्रेंड्स स्क्रेच करने से हमें यह होगा कि इसमें से कुछ एलुमिनियम्स जो है इस पर से रिमूव होके हमारे इस गैप को फिल कर देगा। तो देखिए मैं इसे स्क्रेच करता हूँ। ये देखिए एक प्लेट पे मैंने कर ली है, बहुत ही यह इजीली हो गया है। अब मैं दूसरे प्लेट पे कर लेता हूँ। देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने स्क्रेच करके इसके बीच के गैप को फिल कर दिया है हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमारा यह बल्ब बन चुका है, आइए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स यह प्रोसेस 100% सक्सेसफुल है। ये देखिए हमारा बल्ब बहुत ही इजीली ग्लो करना शुरू हो गया है। देखिए देखिए कितना अच्छे से यह ग्लो कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर।